हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैक टू स्कूल सप्लाईज। तो नया सत्र शुरू हो गया है, तो नए सत्र की शुरुआत में बच्चों को या बड़ों को भी काफ़ी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, खास करके टीचर्स को भी, जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी सीक्वेंस के। लगभग ये 10 to 15 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, स्टेशनरी आइटम, जो आपके डेस्क के लिए या आपके पेंसिल केस के लिए या आप स्कूल में अगर अपनी कुछ सप्लाईज रखते हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ सकती है एक पेन की। तो पेन किसी भी तरीके का हो सकता है, जेल पेन हो, बॉल पेन हो, या फाउंटेन पेन हो, या रोलर बॉल पेन हो। तो इनमें से किसी भी तरह का पेन हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिया है एक, तो ये हाउजर जर्मनी का फाउंटेन पेन, जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, 60 रुपीज़ का है। वैसे फाउंटेन पेन से आजकल लोग बहुत कम लिखते हैं, बट क्योंकि मुझे फाउंटेन पेन पसंद है इसलिए मैंने फाउंटेन पेन से ही शुरुआत की है। तो ये आप ले सकते हैं, अगर फाउंटेन पेन से लिखने की इच्छा है, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 60 रुपीज़ में, ना बहुत महंगा ना बहुत सस्ता, आपको एक अच्छा फ्लुएंसी से चलने वाला पेन आपको मिल सकता है। उसके बाद में बॉल पेन की बात करें, तो बॉल पेन में यहाँ मैंने रखा हुआ है हॉजर का ही हॉक। तो हॉजर का हॉक रखा हुआ है, जो कि 3 body कलर्स में है, और ये बॉल पेन है विद कैप है, ये रिट्रैक्टेबल पेन नहीं है। उसके बाद में मैंने बॉल पेन में ही पेंटोनिक का ये पैक रखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्यूट सा दिखने वाला पैक है। तो मैं इसको दिखा देती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे से अच्छे शेड्स में हैं और ये चलते सारे ब्लू ही हैं। ये इस तरह के देखिए काफ़ी वाइब्रेंट से कलर में बॉल पेन्स हैं, तो ये आप ले सकते हैं। और इसके बाद में बॉल पेन में ये है, और आप बॉल पेन में अगर रिट्रैक्टेबल पेन लेना चाहते हैं तो रिट्रैक्टेबल के लिए आप जो है जा सकते हैं पेंटोनिक BRT के लिए। और उसके बाद में जेल पेन की बात करें, तो जेल पेन में मैंने यहाँ पे रखा है लिंक का ओशन क्लासिक। तो ये जेल पेन है, जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, 50 रुपीज़ का पैक है, 10 रुपीज़ ईच में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में ये हो गया पेन सारे। उसके बाद में आती है कलर्ड पेन की बारी, तो क्योंकि कलर्ड पेन के बिना कुछ भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो कलर्ड पेन में मैंने दो रखी हैं। आप बॉल पेन भी ले सकते हैं, जेल पेन भी ले सकते हैं, और लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है रोलर बॉल पेन, जो कि काफ़ी अच्छे वाइब्रेंट से कलर में है और ये मूजी जैसे पेन का लुक दे रहा है, इसलिए मैंने इसको पिक किया है यहाँ पे। और ये 12 pack का पूरा सेट है। और इसके बाद में मैंने कलर पेन में ही मैंने ये फाइन टिप का पेन लिया है, क्योंकि फाइन टिप के पेन में ये डुअल पॉइंट का है, एक तरफ ब्रश है एक तरफ फाइन है, तो ये आपके ब्रश पेन का भी काम करेगा, प्लस आपको फाइन टिप या कलर पेन का भी काम करेगा, इसलिए मैं इसको प्रेफर करूँगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने लिया है वो आती है पेंसिल्स। तो पेंसिल्स आप दो तरह से ले सकते हैं, या तो आप वुडन पेंसिल कोई भी ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है स्कूडल, तो आप नटराज की या फिर कैमलिन की या किसी की भी ले सकते हैं, मैंने स्कूडल लिया है। और उसके बाद में अगर बात करते हैं मैकेनिकल पेंसिल की, तो माय फेवरेट कैमलिन की मैंने ली है सुप्रीम 2.0 point में। तो आप इसको 0.7 भी ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं, 0.9 ले सकते हैं। मैं क्योंकि रफ वर्क ज़्यादा करती हूँ तो मैंने 2.0 लिया है, और इसकी लीड भी आप अपने साथ रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट कहें तो ये सारी चीज़ें जो पेंसिल्स हैं पेन्स हैं, इनको रखने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा विशाल से ख़रीदा हुआ एक पेन होल्डर रखा है, तो ये ऑर्गेनाइज़र आपके टेबल पे बहुत अच्छा लुक देगा। और इसमें मैंने यहाँ पे ये क्लिप्स लगा रखी हैं, ताकि मेरी क्लिप्स खोए ना, तो ये क्लिप्स लगा रखी हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप इन क्लिप्स को लगाएं, मैं यूज़ करती हूँ तो मैंने लगा दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है स्टिकी नोट्स। तो स्टिकी नोट्स आप स्टिकी नोट्स आप किसी भी तरीके के ले सकते हैं, बहुत वैरायटी के आते हैं। और मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये एक
लिया हुआ है, जिसमें स्टिकी फ्लैग्स भी हैं और एरो फ्लैग्स भी हैं, स्टिकी फ्लैग्स भी हैं और साथ में छोटे और बड़े कई साइज़ के स्टिकी नोट्स हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पिक किया है और मुझे लग रहा है इसमें स्टिकी नोट्स के सारे ही जो साइजेस हैं और जो फ्लैग्स हैं वो आ गए हैं, इसलिए ये बेटर रहेगा। इसलिए मैंने इसका कोई भी ऑप्शन और आपको दिखाने के लिए अपनी टेबल पे नहीं रखा है, ताकि इससे आप समझ जाएंगे कि हाँ ये भी आप रख सकते हैं और ये काफ़ी हैंडी रहेगा। आप इसको अपनी किसी बड़ी बुक के अंदर भी रख सकते हैं या फिर अपना डायरी वगैरह में भी आप इसको रख सकते हैं। तो आप इसको टू करके भी आप अपने प्लानर या अपनी डायरी वगैरह में लगा सकते हैं। उसके बाद में आती है बात स्टेपलर की, तो स्टेपलर आप कंगारू का ले सकते हैं। मैंने यहाँ कंगारू का नहीं रखा हुआ है, मैंने यहाँ क्यूट सा एक पैक रखा हुआ है स्टेपलर का, जिसमें स्टेपलर है, साथ में एक हाइलाइटर है और एक स्टेपलर के पिन का बॉक्स है। तो आप कोई भी स्टेपलर रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे यही मुझे अच्छा लगा और मुझे हैंडी मिल गया वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने इसी को रख लिया है। क्योंकि ये कोई भी प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं है कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट करूं, बस आपको ये बताना था कि क्या क्या चीज़ें आप अपने स्टेशनरी में रख सकते हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो चीज़ें रहें। उसके बाद में आता है पेपर कटर, तो पेपर कटर के लिए मैंने रखा हुआ है दो तरह के पेपर कटर। एक तो आप ये इस तरह का पेपर कटर ले सकते हैं जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, तो ये आपको पेंसिल केस में कैरी करने के लिए अच्छा रहेगा। और साथ में आप इस तरह का छोटू सा पेपर कटर भी रख सकते हैं जो बहुत सेफ रहता है और बहुत छोटा सा रहता है, कॉम्पैक्ट है, तो आप अपने पर्स वगैरह में भी आराम से डाल सकते हैं। तो ये पेपर कटर आप रख सकते हैं। उसके बाद में आती है बात सीजर्स की, तो जब कटर आया है तो सीजर भी ज़रूर आएगी। तो सिंपल सी एक सीजर मैंने कॉमन सी रख ली है, तो ये जो सीजर है ये टू के पेयर में आती है। मैंने छोटी वाली अपने पेंसिल पर्स में रखी हुई है और बड़ी वाली मैं अपनी टेबल पे रखती हूँ। तो ये छोटू सी सीजर और साथ में आप अगर प्लानर वगैरह या आप जर्नलिंग वगैरह करते हैं तो आप इस तरह के सीजर भी रख सकते हैं, जिसमें कि इस तरह से जिगजैग कटिंग वगैरह हो सकती है। तो ये काफ़ी सेफ होती है, आगे पॉइंटेड नहीं होती है, तो आप इसको कैरी करने में ये थोड़ी सी आसान रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है टेप्स। तो टेप्स कई तरह के होते हैं, तो मैंने ये एक इस तरह का टेप अपने साथ रखा हुआ है, ये टेप है। साथ में आप जो है किसी भी तरह के इस तरह के टेप्स भी रख सकते हैं जो कि वॉशी टेप्स हैं, तो इस तरह के, तो बहुत वैरायटी है, मैं बहुत सारे दिखा सकती हूँ, तो लेकिन मैंने एक सैंपल के रूप में यही सामने रख दिया है। और इसके बाद में टेप्स के बाद बारी आती है करेक्शन पेन या करेक्शन टेप की, तो उसके लिए मैंने रखा है एक तो करेक्शन पेन रखा हुआ है ये, तो आप इस तरह का ये लिक्विड वाला रहता, तो बहुत थोड़ा सा अगर आपको करेक्शन करना है तो ये वाले लिक्विड वाले सही रहते हैं, कि छोटा सा जैसे पॉइंट वगैरह कुछ हटाना है, कुछ करना है, तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा सा करेक्शन करना है तो इस तरह के करेक्शन टेप आप ले सकते हैं, जो कि यूज़ करने में काफ़ी अच्छे रहते हैं और तुरंत आप इस पर लिख सकते हैं। ये वाले में आपको थोड़ी देर ड्राई करने के लिए टाइम देना होता है, बट इसमें ड्राई करने के लिए कोई टाइम नहीं देना होता है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन ये जो है हैंडी तब रहता है जब आपको थोड़ा सा कुछ करेक्शन करना हो, थोड़ा सा इरेज करना हो, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है यू पिन। तो मैंने यू पिन क्या काफ़ी तरह की पिंस का एक बॉक्स बना लिया है, जिसमें सब तरह की क्लिप्स और पिंस मैंने रख ली हैं मिक्स करके, तो इसी तरह के बॉक्सेस में सब तरह की आती है। तो मैंने इसमें बड़ी यू पिन ये इस तरह की क्लिप्स भी रखी हुई हैं, ये इस तरह की, इसमें देखिए कलर वाली भी रखी हुई है, इसमें मैंने बोर्ड पिन भी रखी हुई है, ये इसमें मैंने इस तरह की क्लिप्स भी रखी हुई है, तो काफ़ी चीज़ें इस तरह की मैंने इसे मिला के और एक साथ रख ली है, ताकि ये कैरी करने में आसान रहे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ग्लू स्टिक या ग्लू। तो ग्लू स्टिक जो है मैंने रखी हुई है ये फेवे स्टिक, तो आप जो है बड़ी छोटी कैसी भी रख सकते हैं, मैंने छोटी वाली रखी हुई है पेंसिल पर्स के लिए, बड़ी वाली मैं अपने बॉक्स में रखती हूँ। तो ये और ये जो है जब आप पेपर चिपकाते हैं तो उसके लिए सही रहता है, लेकिन आपको कोई थिक चीज चिपकानी हो तो उसके लिए आपको ये फेवी गम जो है ये ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो ये लिक्विड गम होता है और मोटी चीज़ें चिपकाने में ये ज़्यादा अच्छे से काम आता है, तो ये सही रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं रूलर की, तो रूलर कई तरह के हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है
नटराज का एक सिंपल सा रूलर जो कि 5 रुपीज का है, या फिर आप इस तरह का मेटल का स्मॉल रूलर भी यूज कर सकते हैं, और या फिर जो है आप इस तरह का 12 इंचेस का मेटल रूलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये टूटता वगैरह नहीं है, तो आप इसको अपने बैग में भी डाल लेंगे तो ये आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, ये टूटने का इसमें झंझट नहीं है। एक फोल्डिंग वाला भी है, मैं वो भी दिखा दे रही हूँ मेरे पास। तो एक ये 12 इंचेस का रूलर भी है जो कि इस तरह से बड़ा हो जाता है, तो आप इस तरह का रूलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इन्फिनिटी का है तो ये इस तरह से क्लोज हो जाता है, तो इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अपने पेंसिल पर्स पाउच में रखती हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो रूलर के बाद आ गया इरेजर। तो आपने पेंसिल रखी है तो इरेजर भी मस्ट है, तो इरेजर के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये वाइल्ड ईज इरेजर, तो ये भी रख सकते हैं। साथ में आप इस तरह का कोई मैकेनिकल इरेजर भी रख सकते हैं, तो मैं अपने पेंसिल पाउच में इस तरह का मैकेनिकल इरेजर ही रखती हूँ, तो ये थोड़ा सा सही रहता है, ये इस तरह से रिट्रैक्ट हो जाता है, और इसके साथ रिफिल्स भी मिलते हैं दो, तो आप उसको भी रख सकते हैं, या फिर ऐसे फैंसी इरेजर्स भी रख सकते हैं। और इसके बाद में आती है शार्पनर, क्योंकि मैंने वुडन पेंसिल रखी, वैसे तो मैं मैकेनिकल पेंसिल रखती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मुझे स्कूल में बच्चों को अपने शार्पनर शेयर करने होते हैं, बच्चों को भी देने होते हैं, तो ये इस तरह का शार्पनर भी आप रख सकते हैं। तो ये मैंने एक ओपन किया हुआ है और एक ये पैक है, और इसके अंदर देखिए जो इसके फ्लेक्स हैं वो इसी के अंदर भरे हुए हैं, तो इस तरह का आप एक शार्पनर भी अपने साथ रख सकते हैं। और इतना सब रखने के बाद अगर आप थोड़े बड़े हैं तो आपको हाइलाइटर्स की भी ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो हाइलाइटर्स के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये फैबर कैस्टल का टेक्स्ट लाइनर, जो कि क्रेयॉन टाइप में है, और इसके फ्लोरोसेंट और प्लस ऐसे ये वाले दोनों कलर आते हैं, या फिर आप इस तरह के पेस्टल्स फ्लेयर के हाइलाइटर्स भी रख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इनमें से आपको जो भी आपकी फेवरेट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये पूरा कलेक्शन आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा चैनल तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।